അഖിലേശ്വരി പ്രഭു തേരി ആരാധന പ്രഭു തുചി ആരാധന सबको जय यीशु। आइए हम ईश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देंगे। ईश्वर ने हमें यह सुंदर सा दिन दिया है उसकी आराधना करने के लिए, उनके यह सुंदर प्रगति को देखने के लिए और उनके बारे में सुनने के लिए, तो हम ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। आज हमारे लिए पूजा बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे पूजनीय बिशप स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम सभी लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको हमारे बीच में स्वागत करेंगे। वे हमारे लिए बहुत कार्य करते हैं, हमारे लिए अपना समय निकालकर, महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमें प्रोत्साहन करने के लिए, ईश्वर के बारे में बताने के लिए यहाँ आए हैं। तो हम विशेष रूप से बिशप जी को हमारे बीच में स्वागत करें, साथ ही साथ उनके लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पास्ता की आ गया है ये
के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग पृथ्वी में सदा पवित्र है, हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। हे सबके प्रभु, तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन। आनंदा
करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को अपन जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है, हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो, आराधना हो, ये सबके प्रभु सदा और सर्वदा। आमीन। हे पावन महिमा में शक्तिमान रमरेश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सर्वदा। आमीन। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 से लेकर अध्याय 2 वाक्य 2 तक। गुरु और आपका आशीर्वाद। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य नहीं हैं। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हम हर अधर्म से शुद्ध करेंगे, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप किया, तो हम उसे झूठा सिद्ध करते और उसका सत्य हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए पापों के लिए भी। यह हमारे प्रभु ईसा मसीह की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। Hallelujah, 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 Unnatre Hee.
रहे और सुने और आपको भी